जय हिंद फ्रेंड्स आपण माने समस्त जानंती आम भारत एवं रूसिया रो जॉइंट वेंचर रे तयारी होइथिबा ब्रह्मोस मिसाइल एको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अटे। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया रो सबठारु फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल माना जाए एवं निजो कैटेगरी रे दुनिया रो नंबर 1 मिसाइल अटे। वर्तमान सारा दुनिया रे ब्रह्मोस मिसाइल रो अल्टरनेटिव हिसाब रे मार्केट रे कोनोसी ऑप्शन नाही। एपरी कि जेउ मिसाइल को बेस करी ब्रह्मोस मिसाइल तयारी करा जायछि अर्थात रूसियन P-800 ओनिक्स मिसाइल थारु मध्य अनेक मामला रे सुपीरियर अटे। जदी ब्रह्मोस मिसाइल थारु बेस्ट ऑप्शन खोजा जिवो तेबे हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करबाकु हेबो। स्पेशियली ब्रह्मोस मिसाइल रो एंटीसिप वेरिएंट रो कथा जदि कुहा जिवो तेबे एहा गत 20 वर्षरु नंबर 1 पोजीशन रे रहिछि। वर्तमान एहारो कोनोसी विकल्प नाही तेनु ब्रह्मोस मिसाइल कु नाटो संगठन विडो मेकर रो नाम दैछि। आपण माने एहारो मीनिंग निश्चय बुझि पारुथिबे। एहा परे चाइना गत 20 वर्षरु ब्रह्मोस मिसाइल कु काउंटर करबा पई अजसर टंका खर्च करि चलिछि। वर्तमान सुद्धा ब्रह्मोस मिसाइल कु काउंटर करबा पई चाइना प्राणपणे उद्यम जारी रखिछि। आपण माने समस्त जानंती आम भारतरु ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायर होई जेते बेले पाकिस्तान रे पड़िला सेते बेले पाकिस्तान रे लागिथिबा चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम मारिबा त दूरर कथा देखि पारि नथिला। 3 दिन परे पाकिस्तानी सरकार जानि पारिथिला कुहा जाय ब्रह्मोस मिसाइल कु S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मध्य रोकि पारिबो नाही। तेबे ब्रह्मोस मिसाइल कु नै किछि खास खबर वर्तमान सामना कु आसीछि। एथिरु गोटिए खबर आपण माने निश्चय सुनि सारिथिबे। खबर हला ब्रह्मोस मिसाइल कु सारा दुनिया रो 45 टी देश किणिबा कु चाहन्ति किंतु किणि पारु नाहन्ति। एहारो कारण हला पॉलिटिक्स। ब्रह्मोस मिसाइल रो टेक्नोलॉजी अन्य देश कु चली न जाउ किंबा ब्रह्मोस मिसाइल रो शक्ति चाइना रो शत्रु देश निकट को चली न जाउ सेथि पई भारत रो कांग्रेस सरकार ब्रह्मोस रो एक्सपोर्ट को नै कोनोसी पॉलिसी तयारी करि नथिले। एहा परे जते बेले बीजेपी सरकार सत्ता को आसीथिला सेते बेले ब्रह्मोस मिसाइल रो प्रथम कस्टमर फिलिपिन्स होइथिला। एहा परे चाइना रो जते भी पड़ोसी शत्रु देश रहिछंती सेमाने ब्रह्मोस मिसाइल किणिबा पई आमा भारत रो द्वारस्थ होइछंती। अर्थात एही मिसाइल आजिठु 10 वर्ष पूर्वे एक्सपोर्ट होइ सारिथांता किंतु यूपीए सरकार ब्रह्मोस मिसाइल को बिक्री करबा को चाहु नथिले। यूपीए सरकार को शासन काल रे जदि ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट होइथांता तेबे वर्तमान सुद्धा ब्रह्मोस मिसाइल अनेक देश को एक्सपोर्ट होई सारिथांता किंतु यूपीए सरकार को खराब पॉलिसी जोगु एक्सपोर्ट होई परिला नाही। बीजेपी सरकार आसीबा परे ब्रह्मोस मिसाइल रो एक्सपोर्ट आरंभ होई छि किंतु एहा मध्य रे ब्रह्मोस मिसाइल रो अल्टरनेटिव हिसाब रे अन्य मिसाइल को तयारी करबा पई दौड़ आरंभ होई जाई छि। एथिरे दुनिया रो अनेक बड़ बड़ देश शामिल रही छंती। रेफरेंस पई न्यूज आर्टिकल देखि पारंती किंगबर्ग्स डिफेंस एंड एरोस्पेस जहां कि नॉर्वे रो कंपनी अटे किछि जर्मन कंपनी एमबीडीए एवं डीही डिफेंस मिलित होई एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्माण करुछंती जहां कि ब्रह्मोस रो अल्टरनेटिव हिसाब रे देखा जाउछि। एही प्रोजेक्ट रो नाम रखा जाइछि 3SM ट्राइफिंग। एहा सुपरसोनिक एंटीसिप मिसाइल हबो। एहा छोडा अन्य एक नकली ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण करुथिबा देश हला दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया एयर लॉन्च शिप गाइडेड मिसाइल निर्माण करुछि। एहा 300 किलोमीटर रेंज प्रोवाइड करिवो एवं Mach 2.5 स्पीड रे गति करिवो। एहा व्यतीत जापान द्वारा मध्य एक सुपरसोनिक एंटीसिप मिसाइल उपरे काम करा जाउछि। एही नकली ब्रह्मोस मिसाइल रो नाम रखा जाइछि ASM-3A जहां कि 400 किलोमीटर रेंज प्रोवाइड करिवो एवं Mach 3 स्पीड रे गति करिवो। ए सबु मिसाइल 2025 सुद्धा परीक्षण हेबार संभावना रहिछि। एही रेस रे फ्रांस एवं ब्रिटेन मध्य अंटा भिडी छंती। एही दुई देश मिलित होई एक सबसोनिक एवं सुपरसोनिक एंटीसिप मिसाइल निर्माण करुछंती जहां कि 2030 सुद्धा ऑपरेशनल हेबार चांस रहिछि। एठारे मो कहिबा अर्थ हला ब्रह्मोस मिसाइल समकक्ष मिसाइल निर्माण करबा पई दुनिया रो अनेक देश प्राणपणे चेष्टा करुछंती। एहारो कारण हला शत्रु देशर नौसेना कु आपण आखि पिछुला के ध्वंस करि पारिबे। एहारो लेटेस्ट एग्जांपल हला फिलिपिन्स। चाइना को काउंटर करबा पई फिलिपिन्स ब्रह्मोस मिसाइल को किनी निज देश को अधिक सुदृढ करि पारिछि। कारण चाइना बराबर फिलिपिन्स रो नौसेना नाही तथापि ब्रह्मोस मिसाइल बड़ रे चाइना को धराशायी करि पारे। तेबे आपण माने कमेंट करि कुहंतु चाइना को काउंटर करबा पई चाइना रो शत्रु देश को ब्रह्मोस मिसाइल देबा उचित ना नाही। एवं एमिति डिफेंस रिलेटेड वीडियो प्रतिदिन देखिबा पई आमो चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो को लाइक शेयर प्लीज। जय हिंद थैंक्स फॉर वाचिंग।